सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी आप लोगों की लाइफ में इस एज ग्रुप में? करियर। और करियर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या ऐसा है जिसको अच्छे से यूटिलाइज करना जरूरी है, जिसको अगर आप वेस्ट करते हो तो पूरी लाइफ में? टाइम। सही लग रहा है टॉपिक? कि हम अपने टाइम को अच्छे से यूज कैसे करें, टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो गया। टाइम इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है, फिर भी हम अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं जाने अनजाने, ऐसा क्यों होता है? सबसे मेन रीजन तो मुझे लगता है कि आजकल टेक्नोलॉजी, जिसको ढंग से यूज नहीं करते हम, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम और फिर यूट्यूब। यूट्यूब मतलब मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? मतलब सिर्फ मैं ही टाइम खराब कर रहा हूँ आपका वहाँ पे? वो तो खराब नहीं होता ना, वहाँ यूटिलाइज हो रहा है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक जो सबसे बड़ा रीजन आ रहा है निकल करके, दैट इज टेक्नोलॉजी। यानी अगर टेक्नोलॉजी को भी और स्पेसिफिक किया जाए, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि हम मतलब टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि मोबाइल पे अगर हम चाहें तो बहुत कुछ अच्छी चीजें भी पढ़ सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड या और चीजों से, वो हम नहीं करते हैं। वो नहीं करते हैं, वेले काम करते हैं जिसका हमारे करियर से, हमारे ड्रीम से, गोल से कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। एंड सेकंड इज पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस, एज वी ऑल नो, सभी को पता है। वो मैं समझा नहीं क्या? लव लाइफ। हाँ लव लाइफ, समझ गया था मैं, ऐसे ही देख रहा था कि आप क्या बोलोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। थैंक यू सर। नहीं नहीं, तो अब इसका क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, जो इन्होंने एक प्रॉब्लम बताई, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया से हम कैसे बचे, बिकॉज इट इज एडिक्टिव। कुछ स्टडीज हुई हैं जहां से निकल करके आ रहा है, इट इज एज एडिक्टिव एज एल्कोहल एंड टोबैको। और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है। कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे, और सिर्फ यहां पर नहीं, कितने लोग हैं, मतलब हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी दुनिया है, ऑलमोस्ट सब है। और कितने कितने घंटे वहां पर स्पेंड कर रहे हैं? मिनिमम 2 से 3 घंटे, मिनिमम अगर एवरेज भी बोलूं तो 3 घंटे। इस 3 घंटे की रिटर्न क्या है? जीरो है, माइनस में है। इस सच को देख पा रहे हो? क्यों मैं ये कह रहा हूं माइनस में है? जीरो होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब जीरो का मतलब हो गया न्यूट्रल, ना कुछ आया ना गया। यहां पे आया कुछ भी नहीं, जा रहा है बहुत तेजी से। सिर्फ टाइम नहीं जा रहा है, और क्या जा रहा है साथ में? एनर्जी जा रही है, देख पा रहे हो? इसको यूज करने के बाद में 4-5 घंटे बाद क्या होता है, बहुत एनर्जी आ जाती है अंदर से, या थक जाते हो? आंखें थक जाती है या आंखों में एकदम एनर्जाइज हो जाती है? थक जाती है बॉडी, थक जाती है हाथ, यहां पे थक जाते हैं, नेक थक जाती है, बैक थक जाती है, दर्द होने लग जाता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो माइनस में है इसकी रिटर्न। पढ़ाई से हट रहे हो, जो भी करना चाहते हो वहां से हट रहे हो, ब्रेन आपकी क्या होती है, ये सब देख करके, ये सब करके शार्प होती चली जाती है, माइंड शार्प हो जाता है या डल हो जाता है? बैठे रहो, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, देखते रहो एक के बाद एक, कहीं का कहीं, कुछ का कुछ। तो इसका जो सोल्यूशन है, अगर ध्यान से आप समझ पाओगे, उसका सबसे पहला स्टेप है इस बात को समझना जो बात मैं कह रहा हूं। और सिर्फ अभी नहीं समझना कि अभी ये वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे हो, यहां पे बैठे हो तो समझ रहे हो, खुद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना बार 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 कि मैं कर क्या रहा हूं, और इसका मेरा जो भी ड्रीम है, जहां पे भी मैं अपनी लाइफ को देखता हूं 5 साल बाद, उससे क्या कनेक्शन है। अगर मेरे सारे सेशंस का आप एसेंस निकालोगे, वो है क्वेश्चनिंग, नॉट मोटिवेशन। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को मोटिवेशन के लिए देखते हैं, बेवकूफ है वो लोग। फिर मेरी वीडियोस में या आप इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है। मेरी वीडियोस भी मजे के लिए देख रहे हो या थोड़े चार्ज्ड अप होने के लिए देख रहे हो, वहां भी मजे के लिए देख रहे हो, फर्क क्या रहा? मजा भी टेम्पररी, मोटिवेशन भी टेम्पररी। तो कब फायदा है मेरी वीडियोस देखने का? जब आप देखो एंड यू गो इन अ कंटेम्पलेटिव स्टेट, मतलब वीडियो देखने के बाद में वीडियो बंद किया और 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो, कह रहे जो बंदा कह रहा है बात तो सही है, जो कह रहा है उसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रही हूं, सब जानते हुए भी मैं क्यों फंस रहा हूं? अगर इस तरह के आप क्वेश्चन पूछने लग जाओगे तो जवाब मिलेंगे ना। अगर मैंने अपने आपसे क्वेश्चन पूछे जिसके बेस पे मैंने आपको जवाब दिया और उसको आपने रट लिया, तो आप में और एक तोते में कोई फर्क नहीं है। पता आपको सब कुछ होगा, कर कुछ भी नहीं पा रहे हो। ये प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली? नहीं आती है? बहुत लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपकी बातें सारी समझ तो आ जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में हम अप्लाई नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है?
क्योंकि वो मेरी बातें हैं, आपकी बातें नहीं है ना। आपकी बातें कैसे बनेंगी? उसका पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन पूछना। किससे क्वेश्चन पूछना? अपने आप से। दिन में कितने घंटे या कितने मिनट आप अपने आप से बैठ करके क्वेश्चनिंग करते हो? सच बोलो। जीरो। ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है। क्वेश्चनिंग ही तो फर्क है आप में और एक जानवर में, एक गली के कुत्ते में और आप में फर्क क्या है? कभी सोचा है अपने आप से बैठ? थोड़ा कड़वा तो नहीं लग रहा? मैं कई बार बोलता तो हूं इतना स्ट्रांगली, मेरे को खुद को अजीब लग रहा होता है, लेकिन कई बार ये चीजें जरूरी होती है। सो अगर हम मिल करके क्वेश्चनिंग करें, और सिर्फ यहां पर ना करें, इसके बाद भी करें, इसके बाद भी आप ये क्वेश्चनिंग करो, तब आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आने लग जाएगा। ये बातें जो अभी हम कर रहे हैं, ये थोड़ी देर तक याद रहेगी, उसके बाद में सब भूल भाल जाओगे। ये प्रैक्टिकल बात है। जैसे ही वापस से अपनी उस हैबिट में जाओगे, जो हैबिट आपको पड़ी हुई है पिछले कुछ सालों से, तो सारी बातें भूल जाओगे, उसकी तरफ खींचे चले जाओगे, और फिर वो आपको ओवर पावर कर लेगा, आपकी ब्रेन को, और आपकी ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगी। आप चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ये होने वाला है, ये सेशन खत्म होते ही यही होगा। देख लेना अभी वापसी में, आप लोग बहुत सारे लोग तो साथ में जा रहे होंगे, मेट्रो में बैठे होंगे, लगे होंगे सब कुछ वही हो रहा होगा जो हो रहा था, जो आप कर रहे थे यहाँ पर आते वक्त, वही जाते वक्त हो रहा होगा। क्या रियल प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन है, या रियल प्रॉब्लम ये है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे अंदर नहीं है? डू यू हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी कि यार मेरा टाइम निकल रहा है, मुझे कुछ करना है? अंदर से ये आग लगी हुई है, सच बोलो अपने आप से। डू यू हैव दैट फायर? अगर होगी तो फिर तो ये सोशल मीडिया पे हावी हो ही नहीं सकता ना। ये आपको ओवर पावर नहीं, कुछ भी आपको ओवर पावर नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाते हैं। मैं क्या करता हूं प्रैक्टिकली, मेरा फोन है किसी के पास में? मेरा किसके पास में दिखाना है? सबसे महंगा फोन है वर्ल्ड का, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। ये मेरा प्यारा सा फोन है, अरे उल्टा था, लार्जेस्ट स्क्रीन, बेस्ट टच, 1000 पिक्सल कैमरा, कुछ है ही नहीं, क्या करोगे? ये मेरा फोन है, बट मेरे पास में एक और फोन भी है, वो अपने पास में नहीं रखता हूं वाला फोन, मेरे पास में ये वाला फोन रहता है। बट कभी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई एकदम से ईमेल आ गई है, कुछ आ गई है, तो उस फोन को मैं ऑन करता हूं, फटाफट से वो काम करता हूं, ऑफ करता हूं, रख देता हूं। अब ये किसने किया है? मैंने किया है, अपने लिए किया है, जबकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। अगर एक्चुअल में आप समझोगे तो, आप किस लिए करना चाह रहे हो? अपने करियर के लिए, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो कौन है यहाँ पर जो कहेगा कि मेरा करियर बड़ा कमाल का सेट हो गया है जी, मैंने कर लिया जो कुछ करना था मुझे लाइफ में, फाइनेंशियली है कोई एनीबडी? मैं तो हूं। करियर में जहां तक भी आप जो भी सोच सकते हो, उससे बहुत बड़ा कुछ मैं ऑलरेडी कर चुका। अगर आज मैं पूरा दिन भी बैठ करके मोबाइल पर टाइम पास करता रहूं, मुझे फाइनेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी कर रहा हूं। और आपको करना चाहिए, फिर भी आप नहीं कर रहे हो ना, घोचू ये होते हैं प्योर घोचू, तो कोई इंप्योरिटी है ही नहीं, समझे? करना किसको चाहिए, कर कौन रहा है? मतलब मुझे एक्चुअल में इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं, क्यों? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि, हाँ एक मिनट, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मेरे को क्लियर है, और जो अपना टाइम खराब कर रहे हैं उनको क्लियर नहीं है। ऐसे लोगों को जानते हो जो सुबह से रात तक बस बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं? क्यों करते हैं? थियोरेटिकली तो उनको पता है टाइम इंपॉर्टेंट है, बट उनके सारे एक्शंस कह रहे हैं कि उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। हाँ बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, एक्चुअल में कुछ नहीं करना। लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको एक मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। तो अब आप यहां से जवाब देख सकते हो कि मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज मेरी लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है? कोई गोल नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो गोल। जितने गोल्स थे वो मैंने अचीव कर लिए हैं। अभी भी क्यों टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा हूं? बिकॉज पर्पस है। वो पर्पस क्या है कि इस इंसान होने का जो मतलब है, यानी आई गॉट दिस बॉडी, आई गॉट दिस ब्रेन, माइंड, दिस वे ऑफ थिंकिंग, इंटेलेक्ट, ये सब है ना, ये मेरे पास में है ना, इसकी जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है,
उसको अचीव करना है मुझे। सर ये जो आपके क्वेश्चंस और ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब कि आप बढ़ चुके हैं आगे फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रीडम, यू हैव अचीव्ड द फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके बाद आप ये सब सोच पा रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग को फाइनेंशियली पहले फ्री और ये सारी चीज़ें जब हम लोग के दिमाग से हटेंगी तभी तो फिर हम लोग ये सारी स्पिरिचुअलिज्म पर सोच पाएंगे सर। अब आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई कि ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये स्पिरिचुअल बातें हैं, ये तो बातें तब है ना जब पेट भरा हुआ हो, जब हमारे पास में पैसा आ जाए, जब हमारे पास में उससे ज़्यादा हो जितना हमको चाहिए, तब ये सारी बातें काम की है। नहीं, अगर आपका पर्पस हो जाता है ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास में है इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव करना, तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इसका पार्ट है या नहीं है? इट इज वन ऑफ द पार्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इस पर्पस में ये भी आ गया, ये कह लो ये पर्पस एक ऐसा है जो सीढ़ियां आप आगे ऊपर चढ़ते चले जा रहे हो जिसका एंड है ही नहीं, उसकी पहली सीढ़ी यही है। इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, इफ यू आर वर्किंग फॉर मनी, तब तो पूरे दिन सुबह से रात तक यू आर जस्ट वर्किंग फॉर मनी। तो पूरी जिंदगी क्या किया, पैसे के लिए काम किया, पैसे के लिए जिए, पैसे के लिए मरे, तो अपने पे तो काम कभी किया ही नहीं। तो इसको अलग मत करो, यही हमारी सबकी प्रॉब्लम है। अभी हुआ क्या है, जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमने इन दो चीजों को अलग अलग कर दिया है, यानी स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर ब्रेन वर्क्स, हाउ योर बॉडी वर्क्स, इट इज नॉट द लास्ट स्टेप। यही प्रॉब्लम हुई है। अभी आप लोग क्या सोचते हो कि अभी हमारी एज है 18-19 साल, अभी क्या जरूरत है, तो पैर कब्र में लटके पड़े होंगे, 70 साल के हुए पड़े हैं, सुनाई दे नहीं रहा है, तब आगे कुछ चल रहा है। हाँ क्या बोल रहे हो, अरे क्या खत्म हो गया क्या? देखा ऐसे लोग बैठे हुए, समझ आ रहा है उनको कुछ ना जी? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, हर चीज को बारीकी से समझ लेना कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इसकी वजह से क्या होने वाला है अगले 5 साल बाद, जो मैं बनने की सोच रहा हूं वो जो लोग बन चुके हैं क्या उनकी लाइफ बहुत कमाल की है, उनकी जिंदगी अगर झंड है तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं अपने 5 साल क्यों खराब करने वाला हूं। वहां पर दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक्चुअली फाइनेंशियली फ्री कैसे हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आने वाले 10 साल बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, उसके बाद जिंदगी में कभी भी मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, ये हमारा गोल होता है, या होता है कि बस किसी तरीके से मेरे पास में इतना पैसा आ जाए कि वहां से ये हो जाए, उसके आगे हम सोचते ही नहीं है। बहुत छोटा सोचते हैं, मतलब उसमें एनर्जी कहां है, उसमें जान कहां है, उसमें पावर कहां है। तो जब गोल बनाना ही है इस एज में तो ढंग का बनाओ ना। ढंग का गोल का मतलब क्या, क्या है ढंग का गोल? मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं 10 साल बाद जो कोई करने की सपने में भी नहीं सोच सकता है। एनर्जी आई गोल से या नहीं आई? मजा आ रहा है गोल सुनने में, नहीं आ रहा है? तो जब ऐसे हम गोल सेट करते हैं तो एक तो नंबर 1 एनर्जी आ जाती है, और नंबर 2 अब आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका गोल औरों के गोल से बहुत बड़ा है। गोल छोटा मोटा हो तो यू कैन अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, यू कैन अफोर्ड टू किल योर टाइम। अगर गोल बड़ा हो तो नॉट पॉसिबल, टाइम ही नहीं है। अब तो दिन में 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। सर जो जॉब कर रहा है वो फाइनेंशियली फ्री कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? अब ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो जॉब कर रहा है वो फाइनेंशियली फ्री कैसे होगा। सुंदर पिचाई का नाम सुना है आपने? कितना कमाते हैं वो? 350 करोड़। 350 करोड़ पर मंथ या पर ईयर? जो भी है, कम नहीं है। 350 करोड़ कम होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है। तो जॉब और बिजनेस बीच में कहां से आ गया? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अच्छे से समझ लो, मतलब आपको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े। आप ये चीजें उनको बताओगे कि मेरा गोल ये है कि मैं बस पैसे वैसे नहीं कमाना चाहता, एक टाइम पे फ्री होना चाहता हूँ। मतलब हम उनको बोले कि हमारे लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? पैसा तो मैटर करता है। अरे यार ऐसे मत करो ना आप लोग, मतलब कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आता है। अरे पैसा बहुत मैटर करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपके पास में बहुत पैसा है, तभी तो आप पैसे से फ्री हुए। आप एक काम कर रहे हो जहां पे आप महीने का 20,000 रुपए कमा रहे हो और आपके घर का रेंट है 25,000 रुपए, तो फाइनेंशियल फ्रीडम टट्टू।
कुछ भी करने से पहले आपको पैसे की टेंशन ना हो। मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो आप राइट साइड में ना देखो, लेफ्ट साइड में देखो। सिंपल करता हूं, 250 रुपए, 180, 170, 5 रुपए भैया पापड़ नहीं, पापड़ नहीं। कभी भूल के भी ये मत समझ लेना पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर पैसा नहीं है आपके पास में तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं वो सब बेकार है। मैं क्या कह रहा हूं, गोल सेट करना ही है तो ढंग का गोल सेट करो ना। डिस्कवर द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ दिस, ऑफ दिस। मैंने दिस तो कर दिया, मेरा मत डिस्कवर करने लगा। बैठ करके मेरे को देख रहे हो, सर ने कहा था दिस। सर आप कितने अच्छे हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, सर आई लव यू, ये वो। ऐसे फुद्दू काम नहीं करते। दिस मतलब दिस, 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 टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। ये पर्पस कभी भी अचीव नहीं होने वाला है, लेकिन मजा बड़ा आने वाला है। लास्ट मोमेंट भी जब होगा ना, मतलब ऐसा अंदर से पर्सनालिटी ऐसी बनती चली जाती है कि अगर एक्चुअल में आपको पता है कि हाँ मौत सामने खड़ी है और अब कुछ नहीं हो सकता है, एक बिल्डिंग में हो और पता है भूचाल आ रहा है, अब जब तक बाहर जाएंगे तब तक तो कांड ही हो जाएगा। बैठ करके देख रहे हो सब कुछ हिल रहा है, मरने वाले हैं, मरो, उसको भी देख रहे हो। दैट इज पार्ट ऑफ दिस पर्पस, नॉट जस्ट लाइफ, इवन डेथ इज द पार्ट ऑफ दिस पर्पस, टू डिस्कवर द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ। ज्यादा हो गया, कभी कभी होना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।